गाइज ये है वूप 4.0। इसके रिव्यू मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने कहा पहले सबसे पहले आपको दिखाऊँ ये क्या है। सो इस वूप की मैंने डिलीवरी मंगवाई है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग गाइज। ये वो चीज़ है जिससे आपको अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आपका एक दफा फिर वेलकम करता हूँ। छोटा सा एक आज व्लॉग करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह उठा, वेदर देख सकते हैं आप कैसा है। सो गाइज अभी आज मैं जा रहा हूँ कुछ नया करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिटनेस पे जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बहुत पीछे रहते हैं। सो फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना गाइज, पैसे पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ हर किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, फिटनेस भी नहीं करना चाहिए। सो मैं आज आपको सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ मैंने अपने लिए क्या मंगवाया है, उसके साथ नेक्स्ट बताता हूँ कि मैं क्या करवाने जा रहा हूँ। सो आज बिल्कुल डिफरेंट व्लॉग होने वाला है। सो आज मेरी एक डिलीवरी आई है, वो एथलीट्स है, उन्हें तो पता होगा वो क्या चीज़ है, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। आई थिंक ये लॉकर्स होते हैं गाइज यहाँ पे नंबर 2। सो इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं गाइज, चलें बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। सॉरी इसको बंद कर दो गाइज, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सो गाइज जो जो लोग एथलीट हैं उन्हें तो पता है ये क्या चीज़ है, लेकिन जो लोग एथलीट नहीं है आई थिंक उन्हें भी पता होगा ये क्या चीज़ है। इतनी फेमस ये चीज़ है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग एप्पल वॉच लेते हैं। सो एप्पल वॉच मेरे पास भी, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहा था, क्योंकि जब मैं लास्ट सीजन खेल रहा था उसमें मेरे दोस्त ने, इयान हॉपटन है उसका नाम, सो वो मेरा व्लॉग देख रहा होगा, उसने मुझे रेकमेंड किया था कि अज़र यू शुड गेट दिस। सो मैंने फाइनली डिलीवरी मंगवा लिया गाइज। गाइज ये है वूप 4.0। इसके रिव्यू मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने कहा पहले सबसे पहले आपको दिखाऊं ये क्या है। सो इस वूप की मैंने डिलीवरी मंगवाई है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग गाइज। ये वो चीज़ है जिससे आपको आपकी फिटनेस के बारे में पता चलता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको 12 इयर्स का आप इसमें वो कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप 12 मंथ्स की इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आप नॉर्मली वन गो में भी ये परचेज कर सकते हैं गाइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एप्पल वॉच को मैं इस तरह एलिब्रेट करूंगा गाइज कि एप्पल वॉच 90% एक्यूरेसी रेट है उसका, और इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो 100% है। इसमें आपको आपकी स्लीप बताता है, आपकी बॉडी की स्लीप कैसी है, आपको बताता है कि आज आप अगर डाइट प्लान पे, आपको उसका बताता है, आपको मतलब ऐसी एडवांस चीज़ें बताता है जो कि एप्पल वॉच नहीं बताती। सो ये तो हो गई मेरी डिलीवरी, आ गई वूप की। सो इसको मैं इंशाल्लाह अनबॉक्स करूँगा, तो फिर वो भी आपको बताता हूँ। इसको अभी छोड़ते हैं इधर। सो गाइज आते हैं मेन टॉपिक पे। सो गाइज आज क्या हुआ, सुबह मैं उठाऊँ, सुबह उठाऊँ मैंने कहा कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि आई जस्ट स्मैश माई जिम एट 4 o'clock। सो मैंने, क्योंकि आज मेरे पास टाइम तो सुबह 4 बजे मेरी आँख खुल गई, और मैंने और दूसरा कुछ काम भी नहीं किया, मैंने कहा यार सबसे पहले मैं जिम करना चाहिए, सबसे पहले मैं जिम करने चला गया। मुझे काफ़ी फटीक मुझे लग रहा था, मेरी बॉडी का मुझे लग रहा था ऐसा कि फटीक है कुछ, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करवाना चाहिए। सो मुझे एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी रेकमेंड किया, और उससे ज़्यादा मुझे रिकमेंडेशन दी सुल्तान भाई ने, क्योंकि सुल्तान भी सऊदीया से आए रिसेंटली यहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा था यार यू शुड गो फॉर द हुजामा, सो हुजामा इज़ वेरी नाइस। सो मैं आज जा रहा हूँ हुजामा करवाने के लिए। सो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, 1 बजे अपॉइंटमेंट है, अभी 30 मिनट रहता है। सो मैं सुल्तान भी का वेट कर रहा हूँ। सो मैंने कहा वो चलते हैं हुजामा करवाने। से पहले मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि थोड़ी गर्म हो जाए गाइस। हियर वी गो। सो गाइज गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, और गाइज हुजामा का मैं बता दूँ, हुजामा इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे फील बेटर होता है। सो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। सो आए चलते हैं हुजामा करवाने, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ। मैं सुल्तान भी का वेट करूँ, सुल्तान भी जू ही आते हैं, सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी इसको ज़रा हम अनबॉक्स कर देते हैं वूप को। सो गाइज इसको अनबॉक्स करते हैं। सो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया। सो गाइज ये इसके साथ इसकी चार्जिंग केबल आती है, और ये इसके साथ इसकी बैटरी आती है। सो बैटरी इसकी वैसे इतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है चार्जिंग की, तो ये इसका उसका स्ट्रैप है। सो मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, आप डिफरेंट कलर्स में मंगवा सकते हैं। सो गाइज मुझे ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और या कुछ लोग जो वर्कआउट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। सो मैंने कहा एक छोटा सा रिव्यू कर दूं तो काफी बेहतर होगा। सो मैंने इस पे जैसे कि आपको बताया था सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स के लिए, सो मुझे बेहतर लगा। सो इसके साथ ये चार्जिंग केबल आ गया, इसका मैनुअल आ गया। सो ये गाइज इसको अभी तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी, इसको कनेक्ट करना पड़ता है ब्लूटूथ के साथ। सो गाइज आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइज ये
प्राइसलेस चीज है, मतलब इतनी जबरदस्त चीज है कि आप इसको यूज करें आपको मजा आएगा 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए। सो मेरे ख्याल से हम कितनी चीजों पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हेल्थ की तरफ नहीं जाते। हेल्थ की तरफ हम उस वक्त जाते हैं जब पानी सर से ऊपर गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो गाइस इसको छोड़ेंगे इधर, हुजामा के लिए लेट हो रहा हूं, सुल्तान भी आ गए। सो आए मिलते हैं सुल्तान भाई से, इसको बाद में ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करता हूं, सो उस ऐप से कंट्रोल करना आपने। सो आपने देख लिया वूप को, सो माशाल्लाह काफी अच्छी चीज है गाइस, इसको जरूर प्रेफर कीजिएगा प्लीज। सो गाइस चलें चलते, लेट हो गए और सुल्तान भी आ गए। सुल्तान भी का वेट कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हुजामा करवाने जा रहा हूँ, तो सुल्तान भी का वेट कर रहा था। सुल्तान भी का इसलिए वेट कर रहा, सुल्तान भी आपको बताएंगे बेसिकली हुजामा क्या होता है। सुल्तान भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैंने इनको ऑलरेडी बता दिया है कि बेसिकली हुजामा मुझे किसने रेकमेंड किया था, तो आपने रेकमेंड किया था, जरा थोड़ा सा बेसिकली सुन्नत नबी है। तो ये जितने भी हमें बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है ना उसके लिए ये रेकमेंडेड है। आप हर 3 महीने के बाद जो है ये करवाए जाते हैं और उसके जो है ना पूरे महीने में 3 डेज जो होते हैं उसमें चांद की तारीख में जो है ये करवाए जाते हैं। सो सुल्तान भी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो आपकी बॉडी में जितने भी डी ऑक्साइड जितनी भी चीज़ें उसको जो है ना ये ख़त्म करता है, जितनी भी बीमारियाँ चाहे वो हार्ट के, तो वो प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर ये लगाए जाते हैं जिससे जो है ना ये चीज़ें एलिमिनेट होती है, ख़त्म हो जाती है। तो सुल्तान भी लेकिन आपने मुझे बताया था आपने सऊदी अरब में करवाया, सऊदी अरब में मैंने एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा करवाया। तो आपको कैसा फील हुआ था? मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स। अभी आप जा रहे हो, जब करवाओगे करवाने के बाद आप अपने आपको देखना कि कितना रिलैक्स फील करते हो। आपको जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ को बताना, वो आपको उसके मुताबिक जो है ना बेसिकली उन पॉइंट्स पे ये लगाएगा। कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा जो भी आप उसको बताओगे जो प्रॉब्लम है वो आपको बताओगे, उससे जो है ना वो उनको लगाएगा और वो जो है ना बेसिकली बॉडी के अंदर वो सक करके ब्लड को जो है ना निकालते हैं। उससे आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है कि आप फील करते हो कि हाँ कुछ हुआ। तो सुल्तान इनको मैंने कंपेयर वो तो बता दिया हुजामा के फवायद, उससे पहले मैंने आपको बताया था वूप मैंने ऑर्डर किया था, अगर आपको याद हो वूप का। सो मैंने मंगवाया, अभी उसके मैंने अनबॉक्सिंग की है, वो मैंने सुल्तान भी को भी मैंने रेकमेंड किया था, सुल्तान भी आपको मैंने बताया था मैंने जरूर वो उसका करना है, वो वूप के कितने। तो गाइज वो बाद में आके मैं जब कनेक्ट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको अनबॉक्सिंग, लेट्स गो। कहना क्या चाहते हो सुल्तान भाई? गाड़ी में बैठते नहीं चलते हैं। सुल्तान भी को मैंने बुलाया था, मैंने सुल्तान भी से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ लाजमी जाए, यहाँ पे जिम की चीजें पड़ी हुई हैं। सो सबसे पहले पोस्ट कोड लगाते हैं और गाड़ी को रेडी करते हैं और लेट्स हियर वी गो। आपने नाश्ता वगैरह कर लिया? नाश्ता कोई भी नहीं, दिल्ली नहीं जा रहा। क्यों? तो खाना खाते हैं ना आके वापस प्रॉपर। अभी जो है ना हजामा के लिए जा रहे हैं, इस पे खाली पेट होना अच्छा होता है। उसने मुझे यही कहा तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। खाली पेट ज्यादा अच्छा होता है। इसमें खाली पेट होता है, खा के नहीं, खाली पेट होके जो है ना वो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल। तो मैंने इसीलिए कुछ भी नहीं खाया। उसने आज क्या डेट है चांद की, कोई पता है? नहीं मैंने नहीं देखी। मैं देख लेता हूँ, मैं अभी बता। गाइस मेरी गाड़ी इस वक्त चार्ज कर रही है बैटरी को, सो गाड़ी भी सेट हो गई है। सुल्तान भी टिकट बहुत जरूरी है यहाँ पे, इधर ही है। सुल्तान भाई जहाँ तो मैं रहा हूँ, सबसे पहले मुझे ये पहले से ही बता दें दर्द होगा कि नहीं? दर्द बड़ा वो पता नहीं होगा, वो तो जो होगा पता ही नहीं चलेगा। शुरू में जो हल्की हल्की जो वो जब वो कटिंग करते हो सब बाद पता ही नहीं चलता, बाद में तो नहीं होगा ना, गारंटी है ना। ये ना हो दर्द ज्यादा हो तो फिर नहीं, दर्द होता ही नहीं, तुझे फील ही नहीं होगा। अच्छा श्योर है ना? दर्द चले गाइस चलते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके तो देखते हैं कैसा हुजामा किसी। गाइज यहाँ पे बिन्स देखें कैसे करते हैं, खुद बिन्स कैसे ऊपर जाती हैं। लकीली मैं खड़ा हुआ तो बिन्स का भी आपको देखें बताते हैं बिन्स कैसे जाती हैं। ये देखें अभी वो बिन जाके रखेगा वहां पे और हेवी को भी देखो ऑटोमेटिकली इनका सारा सिस्टम है ना, वो देखें बिन खुद अंदर चलेगी। ये देखें वाह जी वाह क्या बात है। सो गाइस जगह पे तो पहुंच गए लेकिन आगे वही ट्रक वाला अभी तक सारी बिन्स वगैरह उठा रहा है, लगता है आज सारा कूड़ा उठाना है उन्होंने। ऐसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, हमें भी यहाँ पे ब्लॉक करके रख दिया हुआ है। लेकिन हम पहुंच तो गए हैं, ज्यादा टाइम ही लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो सुल्तान भी ने मेरे से कमिट किया कि दर्द जरा भी नहीं होगा और अनलिमिटेड कप्स लगवाओ यहाँ पे कुछ, अभी देखते हैं कितने कप्स लगवाते हैं। हियर वी गो गाइस मैं पहुंच तो गया हूं, गाड़ी पार्क कर दी है यहां पे और मैं पहुंच कर देखते हैं जगह भी है मैं नंबर 5 डोर था। सो गाइस करवाते हैं जामा थोड़े से, सुल्तान भी वहाँ पे शॉर्ट्स लेंगे और सुल्तान भी को मैंने बता दिया वहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स लेंगे, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कैसे हुजामा होता है। सुल्तान भी बिजी हो गए एज यूजुअल, सुल्तान भी फोन पे। सो आए चलते हैं डोर नंबर ढूंढते हैं। सो मैं आ गया हूँ गाइस हुजामा करवाने। सो ये मेरा बेड रेडी हो गया है, हीटिंग रेडी हो गया, दानियाल भी हुजामा करेंगे। सो दानियाल भाई हमें बताएंगे भाई, दानियाल भाई व्हाट्स द बेनिफिट्स हुजामा? सुल्तान भी ने ऑलरेडी बता दिया, एंड कैन यू प्लीज tell us so what are the benefits for this hujama? So benefits improve blood flow and you'll feel more energetic. There are many benefits, obviously it's a sunnah as well. Yeah. All depends on your personal reasons, maybe if somebody smokes it can improve their
kind of the health, because it clears out the lungs and toxins. So I just came here because I'm playing cricket professionally, so I need it. So that's why, so you know, my one of close friend, he recommended me. Also Sultan, he recommended me. So that's why I just came here. And I have some back issues as well, little bit, not like, you know, the asthma. Okay. Like on spots, few little spots. Yeah. On. So that's why I just came here. So one of my close friend, he recommended me to come over here. So that's why I just came over here. Definitely. So what you recommend me? So it's good, yeah? Yeah. For everyone, it's good, yeah? Definitely, it's good for you. And like you mentioned, you played cricket, so we can do a little bit of tissue work as well on your back with the massage gun. Loosen it up, inshallah. That's great. So guys, abhi hujama karwate hain aur saath mein Sultan bhi shorts bhi lenge. Aur main jab ye karwata hun, to usme saath mein apne niche link description mein इनकी बताऊंगा जो वॉकिंग से हमें लोग देख रहे हैं लंदन से देख रहे हैं, क्योंकि इनका मुझे किसी ने हाईली रेकमेंड किया था, इसलिए दानियाल भाई के पास आया. सो अभी करवाते हैं, साथ साथ शॉर्ट्स लेते हैं. सुल्तान भी हुजामा होता कैसे जरा आपको पता चले. बात सुन ले, अगर दर्द हुआ ना उसकी खैर नहीं है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो, दर्द नहीं होगा. अब तो बिल्कुल ही वो रोने की वाली शक्ल नहीं बनाना, बाकी कोई नहीं होगा, दर्द जरा भी नहीं होगा. सो गाइस, अच्छा कितना दर्द होगा? लुक, ये वाला दर्द होगा. बस भाई ठीक है, ये दर्द होगा हल्का सा, हल्का हल्का. ये जो है ना, बेसिकली अभी जो है अज़र का जो ब्लड फ्लो जो है इसको इन्हांस करने के लिए, इसके बाद हम कपिंग करेंगे. पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम कपिंग करेंगे इसकी. तो अभी ये बेसिकली वार्म अप कर रहे हैं, इसके ब्लड सर्कुलेशन जो है बैक के ऊपर, इसको मैक्सिमम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो शुरू हो जाए, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, उतनी ज़्यादा कपिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. मैंने करवाया तो कभी नहीं, लेकिन टेंशन इस सकी गाइस, बहुत शदीद किस्म की टेंशन. लाइट लग गई, ऊपर ये लग गया, वो लग गया. इसके बाद जदीद अभी अभी अपने आप को देखना, और जब कपिंग करने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद मैं डेफिनेटली मैं बताऊंगा सबको कि कैसा हाँ, फील करता, कैसा होता है. इसके बाद सो वी स्टार्टेड, हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा बहुत ज्यादा ना लगाना कप. नहीं नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें उससे कोई नहीं है. एक तो ये डर की वजह से कह रहे हैं, जो जरूरी है ना वो बच्चों जरूरी है, नहीं लगाएंगे ज्यादा. बैक पे ही हो है, हालांकि मैं होता तो मैं ये नीचे में मैं तो बोल नेक्स्ट टाइम ये सारे उतार के इधर भी लगा. हां यस, आज सही सलामत घर जाओ ना, फिर नेक्स्ट टाइम सारा बॉडी कर लेंगे. ठीक हो गया. नहीं नहीं, मैंने सारी बॉडी करनी है अपने लिए. क्यों नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ करवाना ना. हां हां, ये नहीं, ये अभी आप नहीं करवा सकते ना, जो है ना उसमें मिनिमम 3 मंथ्स जो है ना, 2 मंथ्स से 3 मंथ्स इसको कहते हैं, साल में 3-4 दफा कराने चाहिए. अच्छा, अब तो सिर्फ थोड़ा वार्म अप करें गन के साथ. अच्छा, फिर बिगिन हो गया. ठीक है. हाँ हाँ, आज तो कुर्सी आपने इसको बोला कि वैसे ही डर जाएगा. ठीक है, जबरदस्त. ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे लगाने हैं, उन पॉइंट्स को बेसिकली ये जो है ना गरम कर रहे हैं, ताकि ब्लड जो है स्किन के ऊपर आ जाए. गुड. दानियाल भी जहाँ पे ऊपर वो निशान नहीं थे वहां पे लाजमी लगाया हुआ है. हाँ, वो नहीं. हाँ, ये मेन पॉइंट जो है ना इसका, जवान होने का पॉइंट भी यही. बस हाँ हाँ, इस तरफ थी. मैंने अभी ये जबरदस्त पॉइंट लगाया नहीं, तो हुआ था. सिक्स मारता है तो स्ट्रेस चले जाता है. अच्छा, ये कट वहां लगेंगे जहां पे कप लगा रहे हैं. नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी बैंबू लगाया है ना, ये उस साइड पे उधर लगाऊंगा. ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ बोला इधर हो, एक्सपीरियंस कर लो. ये तो कोई दर्द नहीं है ना इसका. ठीक है, मसाज की तरह समझो के वार्म अप कर रहे हैं. कब जो है ना
जिधर भी मैं काटू ना, अगर कोई दर्द उधर नहीं है ना, आपका खून की कोई इशू खून नहीं आएगा, थोड़ा सा शायद लेकिन बहुत सारा हाँ, वो कम हो और खून आएगा भी तो वो होगा इतना ज्यादा ब्लैकिश है, वो क्लॉटिंग जो ना कम होगी गाइस। ये इसको इनिशियली बहुत ही खराब है, तो पानी भी इधर का पानी बस तो हमारे सालन जो खाते हैं, मैं सबसे बुरी चीज हमारा जो खाना है, कितना तेल डालते हैं, समोसे फ्राई फ्राई ये सारा खाना जो ना हमको अच्छा कैसे था, बस ये कट लग रहे तुझे, कोई दर्द आया किधर गए हो भाई, इधर हो, कहना क्या चाहते हो, बस ये हल्का हल्का लग रहा है ना, ये खत्म हो गया, क्या बात है सर, क्या बात है, अच्छा जरूर बात करना, अगर बात नहीं कर रहे फिर सोचें कि पता नहीं किधर गया है, चले गया है, ठीक है सर, बस ये चीज यही है, बस कोई दर्द शर्द की नहीं बात, अच्छा स्पाइन पर भी दर्द आती है ना, इधर भी लगाऊंगा, जिधर भी दर्द है ना उधर लगाऊंगा, सारी बॉडी पर नहीं काट क्योंकि आपने सुना भी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाना फुल हेड टू टो तक करेंगे, ऐसा फील हो रहा है छोटी छोटी पेन लग रही है, बस ये ही है, एक्यूपंचर की तरह, बस ये है, तो ये पेन है, बस पेन जो है ना दर्द सर का पेन होता है कि क्या हो रहा है मुझे, मर रहा हूँ या नहीं, ये तुझे सोच रहा है ना, पेन सिर्फ वो है तुझे, लेकिन सब भी करते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आते हैं मेरे साथ, जी जी मैं उस दानियल भी उसका देख रहा था, जोशुआ का, हाँ वो भी देखो उसकी कितना सा उसके दोले हैं, वो भी दर्द बर्दाश्त नहीं करते हैं, रोता है, एक बर्मिंघम में ना एक कमरान भाई उसका नाम है, तो वो सारे को करता है, जोशुआ कौन आ रहा, आमिर खान, आमिर खान ने भी करवाया, आमिर खान ने भी किया ना, जब हारा है ना उस दिन वो जमा कराया, जमा कराया, लेकिन वो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं, इज इट ट्रू, हाँ लेकिन जो है ना आमिर खान का हजामा जो है ना ड्राई कपिंग करते हो फाइट के पहले, उसने तो हजामा किया है, एक दिन पहले कोई हील नहीं होता ना, बॉडी उसकी फिर टायर्ड थी, अगर वीक पहले करो फिर ठीक है, लेकिन अब कल आप जाके क्रिकेट खेलो सुबह, नहीं नहीं वो चीज नहीं है, बॉल कैसे करोगे, दर्द होगी या फिर लूज नहीं होगा, दो तीन दिन के बाद ठीक है, तुझे एक्चुअल असर हजामा का जो है ना ठीक दो से तीन दिन के बाद जो है ना फील होना शुरू हो जाएगा मुकम्मल, आप जब सोगे ना शामी अच्छी सारी नींद आएगी, बहुत सारा पानी पीना और ठंडा नहीं गर्म, मेरे गाइस किधर गए, तेरे गाइस इस वक्त जो है ना देख रहे हैं वो सोच रहे हैं क्या हो रहा है इसको, बोलती बंद होगी इसकी, क्या इधर है या नहीं, इधर से इच आती है, अच्छा ये तो निकाल देगी जो भी अंदर है ना, हजामा की बहुत सारे बेनिफिट हैं लेकिन मैं सारे नहीं बोलता क्योंकि फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है, सुना का काम तो जैसे भी स्पीच भी दे रहा है, yes, exactly. इसलिए मैं नहीं बोलता, बंदे जो ना मैनचेस्टर नॉर्थ में बोलते हैं हजामा, थैंक यू मेट, ये टिप शिप दानियल को उतार रहे, अभी उतार रहे, ओके जी बस खत्म ना, यही तो है, यही था वीडियो क्लियर, ठीक है लाइट, हां यस फाइन, अच्छा ये देखना थोड़ा सा रही हूं, कुछ नहीं, हां लेकिन ये तो फिट फाट बंदा है इसलिए जिम जाता है, क्या डाइट आपकी कैसे है, डाइट अच्छी है मेरी, अच्छी जी, जो मैक्सिमम है ना लुकाज बॉटल का 500 मिलीलीटर भर जाता है, हाँ, इतना मैक्सिमम निकाल सकता हूँ 500, हाँ हुई। तो मैं बोल रहा हूँ आपका खून इतना है कि वो छोटा सा जूस कार्टन भी ना, ये देखा नहीं, नहीं, इतना काला काला, हाँ, ये तो खराब था इधर, क्या किस वक्त जुमा से पहले या जुमा के बाद ही करूंगा, हाँ जुमा के बाद चेस्ट भी, हर भी कर लेना, अच्छा हाँ हाँ सुबह में सुबह 10 बजे, हाँ नहीं 2-3 o'clock ठीक है उसके बाद, हाँ 24 hours बोलते हैं ना कि रिलैक्स, नहीं नहीं कल जिम करना भी तो शाम को करना, हाँ फुल एक्सपीरियंस मिलाना इससे, देखना कि और वजन उठा सकते हो या नहीं, ऐसे सर मैं बिल्कुल फिट हूँ अभी तो, अभी तो ये कल जितना जो है ना 24 hours, हाँ, 48 हाँ, संडे फिर कोई, अच्छा ये है, ये है अब अच्छा। अभी नहीं तुझे वो अब तो बैठ जाओ, इट वाज सो अमेजिंग, यस अब यस दानियल भाई इधर लगाएंगे ये देखें, हाँ हाँ
इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आई कांट एक्सप्लेन इन माय ओन वर्ड्स कि मुझे बिल्कुल बॉडी लग रही है, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी लग रही है। सो गाइज लाजमी ये करवाएं, थोड़ा सा पेनफुल, थोड़ा सा पेन होता है ऑब्वियसली, मैं आपको क्योंकि पेन है ही नहीं है। सो कल को पेन हो मेरे ब्लॉग में आपके यार इसने झूठ बोला था। सो गाइज थोड़ा सा पेन है लेकिन मजे का है, बहुत ज्यादा प्रॉपर क्लिनिक है। नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना बूट भी है, मैं बंदे को डालता हूँ बूट। हाँ पता है मैं लाऊंगा बूट, अच्छा है कि लेग आपने नहीं किए। अच्छा। बूट दिखाऊंगा आपको मसाज का, जरूर लगाना 5 मिनट के लिए कि कैसे लगता है बूट। इधर से मेरा ब्लड निकलेगा देख लेना। अच्छा अच्छा फुटबॉल देखते हो? ओह आई एम अ बिग फैन ऑफ मैन यूनाइटेड। रियली? या आप? मैं छोटा जब था ना जी, जब कोई जब बना वैसे भी नाइव है आई यूज्ड टू लाइक यूनाइटेड। सो गाइस अभी सुल्तान बेगम की ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ शोल्डर की, इनको शोल्डर में बहुत पेन होता है, सो मैंने कहा इनकी भी ट्रीटमेंट करवा लें। दानियाल भाई थैंक यू सो मच इनकी ट्रीटमेंट कर। सो गाइज ये था हुजामा, इतना ज्यादा पेनफुल नहीं था, जरा भी नहीं था, बिल्कुल रिलैक्सिंग था, बड़ा मजा आया। सो दानियाल भाई थैंक यू सो मच, यू डिड अ रियली गुड जॉब। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं करवाऊंगा लेग्स का भी इंशाल्लाह, लेकिन आपने यू डिड अ रियली गुड जॉब। एनी मैसेज फॉर हुजामास द एथलीट्स, एनी मैसेज इफ एनी एथलीट्स नीड टू इफ दे फीलिंग स्टिफ और टायर्ड, बी श्योर टू ड्रॉप अस अ मैसेज एंड दे कैन मैसेज यू एज़ वेल। कंपनी का भी बताएं, द कंपनी नेम इज साही रिकवरी एंड हुजामा वर्किंग ऑन गूगल, चेक आउट आवर रिव्यूज, all 5-star reviews so far, so everyone's had a good service. You've done a really good job, so mujhe bada maine bada relax hua, bada relax feel kar raha hu, so main inshallah description mein bhi inka wo dalunga. Is channel ko zyada subscribe kare, zyada share kare, zyada zyada like kare. So ye chota sa vlog tha aaj ka, thoda chota sa vlog karu, so weather bhi barish lag rahi hai, to jaldi se ja raha hu ghar. Inshallah next vlog mein milte hain, so Allah Hafiz, thank you so much.